नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। जल जीवन हरियाली दिवस का हुआ आयोजन, मौसम अनुकूल कृषि एवं फसल अवशेष प्रबंधन पर आयोजित हुआ गोष्ठी, कार्यशाला, परिचर्चा एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम। बीते से मोहन सिंह की रिपोर्ट। जल जीवन हरियाली दिवस के अंतर्गत 4 मई को समारोह सभागार में मौसम अनुकूल खेती एवं फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर वेबकास्टिंग के माध्यम से परिचर्चा का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी प्रखंड मुख्यालय में भी किया गया, जिसमें प्रखंड पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई से जल संरक्षण, भूमि का समतलीकरण, धान की सीधी बुआई, फसल अवशेष का पशु चारे के रूप में उपयोग, जैविक खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा की गई चर्चा। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जल जीवन हरियाली अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप ससमय करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई के जल संरक्षण, भूमि का समतलीकरण, धान की सीधी बुआई, फसल अवशेष का पशु चारे के रूप में उपयोग, जैविक खेती, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कृषक इसके लाभान्वित हो सके तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश सहित जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई तथा अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया।